हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको जातिमान निकालने की विधि बता रहा हूं आप किस तरीके से किसी भी संख्या का जातिमान निकाल सकते हैं जैसे क्वेश्चन में कैसे पूछता है आप ध्यान से सुनिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन को क्यूश्च किस प्रकार से पेपर में पूछा जाता है जैसे यहाँ पर देखिए एक संख्या दी गई है और यहाँ पर एक डिजिट दिया गया है अंक दिया गया है और इसी का क्या कर रहा है जातिमान पूछ रहा है तो जातिमान को कैसे निकालते हैं देखिए जैसे यहाँ पर संख्या दी है पाँच लाख संतानवे हजार पाँच सौ तेईस में से सात का जातिमान निकालिए तो जातिमान कैसे याद करेंगे देखिए जो अंक इसमें जो संख्या दी गई है उसमें से किसी एक अंक का जातिमान पूछ रहा है जैसे इसमें सात का पूछ रहा है तो हम लोग का जातिमान क्या होगा सात होगा सिंपल सा क्या करना है आपको इस तरीके से कुछ लिखना है अगर जातिमान पूछ रहा है तो उसका वही आंसर होगा जैसे आप आप देख सकते हैं फेस वैल्यू फेस वैल्यू मतलब जैसे आप अगर चेहरा को अपना देखना रहता है तो डरपणे आ जाते हैं यानी कि शीशा में देखते हैं अपने चेहरा को तो जैसा आपका चेहरा रहता है ठीक उसी प्रकार से शीशा में आपका चेहरा दिखाई देता है ठीक उसी प्रकार से दोस्तों संख्या में से जिस अंक का जातिमान पूछेगा ठीक वही अंक होगा उसका जातिमान जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आप लोग के सामने जैसे ए टू थ्री फोर फाइव में हमको तीन का मान निकालना है तीन का मान निकालना तो तीन का मान क्या होगा तीन होगा ठीक इसी प्रकार से कोई और अंक है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यानी तिरालीस हज़ार पाँच सौ सड़सठ में से हमको चार का मान निकालना है तो क्या इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर जो होगा चार है यहाँ पर देखेंगे इसमें चार कहाँ है और ठीक उसी को लिख देंगे तो इसका मान क्या होगा चार होगा ठीक है कुछ इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देते हैं इसमें डबल डिजिट को करते हैं जैसे चार पाँच चार तीन दो यानी पैंतालीस हजार चार सौ बत्तीस में से चार का मान क्या होगा तो देखिए इसमें दो चार है तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे ठीक उसी प्रकार से इसका मान क्या होगा चार और इसका मान क्या होगा चार दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जातिमान किसी भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो आपको सिंपल कुछ करना नहीं है सिंपल जी जिस अंक का जातिमान पूछेगा इस संख्या में से उसी अंक को क्या कर देंगे लिख देंगे कोई आपका आंसर हो जाएगा तो इसी तरीके से जातिमान निकाला जाता है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जातिमान निकालना तो सीख चुके होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ऑन कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें आपको स्थानीय मान कैसे निकालना है वो सिखाऊंगा दोस्तों इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा